स्वागत है आपका IBPS गुरु चैनल पर। 2018-19 के बजट का अभी हम लेकर आ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेशली ये तो पूरा का पूरा 2018-19 का बजट ही समर्पित रहा है, लेकिन यहाँ पर हम उन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इस बार किसानों को मिले हैं, वो सौगातें जो सरकार ने अपने किसानों को दी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे खरीफ का अब कॉस्ट प्राइस का, यानी कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है उसका अब 1.5% होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये 1.5 सीधा टाइम हो जाना, यानी कि जो कॉस्ट हमारी है, मान लीजिए कॉस्ट हमारा 10 रुपए है, तो यहाँ पर अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी अब 15 रुपए होगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह किसानों को एक बहुत बड़ी गिफ्ट है केंद्र सरकार की ओर से, क्योंकि ज्यादा MSP मिल रहा है, यानी कि किसानों की जेब में ज्यादा पैसा। हो सकता है इसके कदम से कुछ महंगाई भी बढ़े, लेकिन उस महंगाई से ये अच्छी होगी जो बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादातर पैसा मिडलमैन की जेब में जाता है, लेकिन यहाँ पर ये महंगाई जो आएगी थोड़ी बहुत, हालांकि आने की चांसेस है, वो सीधे तौर पर पैसा किसानों की जेब में जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केट फंड का। किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है मार्केट। हमारे देश में एग्रीकल्चरल मार्केट या कर लीजिए रूरल मार्केट की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार ने इस मार्केट को सुधारने के लिए 2000 करोड़ का फंड रखा है। अगर इस मार्केट को ऑनलाइन सरकार पूरी की तरह से जोड़ पाने में सफल होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये एग्रीकल्चरल मार्केट फंड पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए सरकार ला रही है। इस साल के लिए 18-19 के लिए इसके ऊपर खर्च किए जाने वाले हैं 500 करोड़ रुपए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं दूसरी योजना बतला दूं, जो कि फिशरी एक्वाकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की है। ये ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रो करती है, एक्वाकल्चर और फिशरीज भी एग्रीकल्चर के साथ साथ ग्रो करता है। तो सरकार ने इसके लिए इस साल रखे हैं टोटल 10,000 करोड़ रुपए। सरकार फिशरी को सपोर्ट करने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री तथा एक्वाकल्चर को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट दे रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंबू मिशन। बंबू मिशन याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है। बंबू एक ऐसी चीज है जिससे डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, और अभी मैं हाल में नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर था तो मुझे देखने को मिला डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट जो बंबू से तैयार हो रहे थे। विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी बंबू से बनता है। ऐसी ऐसी चीजें बंबू से बन रही थी जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि क्या इतने सुंदर प्रोडक्ट, इतने सुंदर खिलौने सिर्फ बंबू से बने हुए हैं। तो यहाँ पर बंबू मिशन को रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है और इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं 1200 करोड़ रुपए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको मैं इंपॉर्टेंट याद दिला दूं, बंबू को ही हम लोग कहते हैं ग्रीन गोल्ड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड हम लोग बंबू को ही कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एग्रीकल्चरल क्रेडिट। एग्रीकल्चरल क्रेडिट की स्कीम जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में आई थी। यहाँ पर इस एग्रीकल्चरल क्रेडिट की इस बार की लिमिट को बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपीज कर दिया गया है। लास्ट ईयर 17-18 में यह लिमिट थी 8.5 लाख करोड़ रुपीज, जिसे इस साल एक बहुत बड़ी ग्रोथ दी गई है, बहुत बड़ा एक स्पेस दिया गया है डेवलपमेंट का, ताकि फार्मर्स को मिडलमैन के पास या फिर मनी लेंडर्स के पास न जाना पड़े पैसों के लिए। KCC एक ऐसी स्कीम है जिसमें फार्मर्स हमारा लोन ले सकता है अपने जमीन के अगेंस्ट में, और साथ में अगर लोन ना चुका पाया तो उसकी जमीन भी बैंक सीज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस बार का हमारा टारगेट है 11 लाख करोड़ रुपीज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बेहतर काम किए हैं। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश सरकार की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने KCC का इंटरेस्ट रेट को कर दिया है 0%। नतीजा अब 1 लाख मध्य प्रदेश का किसान लोन लेता है तो वो 1 लाख रुपए ही चुकाता है, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सरकार पे करती है। वैसे भी इसमें इंटरेस्ट रेट काफी कम है, पहली बार जब आप लोन लेने जाओगे तो 7% और दूसरी बार ओनली 4%।
तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल क्रेडिट का लिमिट जिसे बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर याद रखेंगे लास्ट में बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, किस एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस करने की। तो ये इंडस्ट्री हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे टोमेटो है तो टोमेटो केचप या सॉस बनेंगे, इसी प्रकार से डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट के चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ भी, उन सब के जैम जेली से लेकर डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत दिन के बाद एक डेवलपमेंट की ओर ग्रो जा रही है। अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अप्रॉक्सीमेट 8% है। ये बतलाता है कि मिडिल क्लास के पास सब पैसे हैं जिससे वो प्रोसेस्ड फूड को परचेज कर पा रहा है। यहाँ पर जैम जेली केचप ये डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट है जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं। सरकार ने इसके बजट को जस्ट लगभग लगभग डबल कर दिया है। 715 करोड़ था लास्ट ईयर और 2018-19 में ये 1400 करोड़ रुपए का हो गया है। तब आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स इस बार सरकार लेकर आई है, और अगर ये सही तरीके से धरातल पर उतर जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हमारे किसानों को एक राहत मिलेगी, जो कि लगातार आज के टाइम में आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान है, लगातार कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि इस बार का बजट 2018-19 कंप्लीटली किसानों को समर्पित रहा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।